हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे लॉन्ड्री बास्केट को घर पर ही बना के रेडी करेंगे। बहुत बड़े साइज पे हम इसको बनाएंगे, बिना चेन के, बिना फोम के, बिना अस्तर के हम इसको बना के रेडी करेंगे। और बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। इस पर आप ढेर सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं, धोने वाले कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, और बिना एक रुपया खर्च किए आपका ये बन के भी रेडी हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए लेना है हमको गेहूं चावल पे आने वाली बेकार बोरी को। तो इस तरीके से देखिए, हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारी बोरियां होती हैं जो यूं ही पड़ी रहती हैं, या फिर आपके घर पे देखिए ज़्यादा बोरियां नहीं है तो आप आटा बैग से, प्लास्टिक बैग से भी इसको बना सकते हैं। और 10 रुपये पे आपको ये बोरी जो है किराना की दुकान पे आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए, नीचे की तरफ से मैंने बोरी का जो देखिए हार्ड वाला जो पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है। अब साइडों से भी देखिए, हमको बोरी को इस तरीके से कट कर देना है। छोटा साइज, बड़ा साइज, आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर आप छोटे बड़े साइज किसी भी साइज पर इस लॉन्ड्री बास्केट को बना सकते हैं। और मैंने जो बास्केट देखिए बनाया है वो भी बहुत बड़े साइज पे है, आप इससे भी और बड़े साइज पे बना सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 18.5 इंच है और इसकी लंबाई मैंने रखी है 26 इंच। आप इससे भी बड़ा साइज और बना सकते हैं। अभी मैं आपको देखिए इसी साइज पे बना के दिखाती हूँ। तो 2 पीस मैंने यहाँ पे बोरी के कट कर लिए हैं और 2 पार्ट देखिए हमको यहाँ पे, कोई भी पुरानी बेडशीट है आपके पास, पुरानी साड़ी है, पुराना दुपट्टा है, उससे आप इस स्टोरेज बास्केट को बना सकते हैं। तो देखिए, नीचे बोरी रखना है, ऊपर बेडशीट का कपड़ा रखना है और इसको चारों तरफ से बीच बीच पे सिलाई लगा के हमको इसकी क्विल्टिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पीस को क्विल्टिंग करके ले आया है चारों तरफ से सिलाई लगा के। 1-2 सिलाई बीच पे लगा लीजिएगा जिससे कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से अटैच हो जाएंगी। अब देखिए, दोनों को इस तरीके से रखते हुए हमको एक तरफ से, किसी भी एक तरफ से देखिए लंबाई की तरफ से हमको इसको फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इस तरीके से। दोनों जो हमारे पार्ट हैं इन पे हमने एक तरफ सिलाई लगा के इनको रेडी कर लिया है। अब देखिए, नीचे वाला जो पीस है ना, क्विल्टेड पीस, उसको मैंने सीधा रखा है और ये ऊपर वाला जो पार्ट था उसको उल्टा करके मैंने रखा है। अब इसको देखिए, सबसे पहले तो हमको तीनों तरफ से पिनअप कर लेना है। अब जैसे हम देखिए 3 तरफ से इसको पिनअप कर रहे हैं ना, तो तीनों साइडों पे हमको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, पिन को निकालते जाएंगे और आराम से सिलाई लगाते जाएंगे। तो अब ये देखिए, तीनों तरफ से मैंने पिनअप कर लिया है। अब तीनों तरफ पे हमको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है और साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, नीचे की तरफ हमको यहाँ पे कॉर्नर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमको 5 इंच बाई 5 इंच पे कॉर्नर की कटिंग करनी है। आप चाहें तो ये जो कॉर्नर हैं इनको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इंच बाई 5 इंच पे कॉर्नर की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो देखिए, यदि बड़े साइज का आप ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो आप 6 इंच बाई 6 इंच पर भी कॉर्नर की कटिंग कर सकते हैं, और देखिए 7 इंच बाई 7 इंच पर भी कॉर्नर की कटिंग कर सकते हैं यदि आप इससे बड़े साइज का ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं तो। और इस साइज का आप ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं या इससे फिर थोड़े छोटे साइज का ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो उसके लिए आपको 5 इंच बाई 5 इंच का देखिए कॉर्नर आपको कट करना है। अब ये जो साइडों से देखिए कॉर्नर जो कट किए थे उससे जो कपड़े निकले हैं, तो इसको देखिए, इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है तो अभी इसको हम थोड़ा देखिए यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ना उसको थोड़ा कम कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, इनको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमको ना बास्केट को उठाने के लिए बेल्ट बना के रेडी करना है। तो इसकी देखिए लंबाई आप 9 इंच भी रख सकते हैं, या फिर देखिए साइडों से जोड़ के इसकी लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 11 इंच लंबी मैंने ये पट्टियाँ 2 बना के रेडी कर ली है इस तरीके से। बेल्ट 2 इंच इनकी चौड़ाई है और 11 इंच इनकी लंबाई है। अब देखिए, जो कॉर्नर हमने कट किए थे तो इसको इस तरीके से पकड़ते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो 1 सिलाई लगा लेंगे इस तरफ, और ये जो दूसरा वाला कॉर्नर है इस पर भी देखिए हम इस तरीके से
सिलाई लगा लेंगे। और इस पे देखिए कोई भी पाइपिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेडशीट और ये जो बोरी थी ना, तो इससे कोई भी धागे वगैरह ज़्यादा नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो पाइपिंग लगा के इसको रेडी कर सकते हैं। अब इसको देखिए इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है ना, इनको अच्छी तरीके से पहले हमको निकाल के सेट करना है। तो इस तरीके से देखिए, अभी जो कॉर्नर हैं तो चारों तरफ देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए हमको किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा हमको दबाना है और बस चारों तरफ देखिए यहाँ से नीचे की तरफ से कॉर्नर को पकड़ते हुए ऊपर तक देखिए हमको सिलाई लगाना है। तो चारों तरफ हमको इस तरीके से, ये देखिए चारों कॉर्नर पे हमको यहाँ पे देखिए सिलाई लगानी। तो अभी मैं आपको सिलाई लगा के देखिए दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे रेडी किया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा के देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाएगा और बहुत बड़े साइज पे ये हमारा लॉन्ड्री बास्केट बनके रेडी है। अब देखिए नीचे की यहाँ पे हैंडल हम लगा के रेडी करेंगे। तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और फिर ये देखिए साइडों पे हमको 3-3 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है बीच सेंटर से। और ये हैंडल हमको कहाँ पे लगाने हैं फ्रेंड्स, ये जो हमने देखिए सिलाई लगा के ये जो हमारा जोड़ दिख रहा है ना, वहीं पे हमको हैंडल लगाने हैं दोनों तरफ। तो ये देखिए दोनों साइडों पर सेम तरीके से हम यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पट्टी को फोल्ड करते हुए रखना है। और पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ, और जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ वैसे ही हमको देखिए इन पे सिलाई लगा के इनको जोड़ के रेडी कर लेना है। और आज के वीडियो में देखिए मैंने ज़्यादा स्टिचिंग नहीं दिखाई है, आगे की वीडियो में मैं स्टिचिंग भी आपको साथ पे दिखाऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ पे आएगा। अब देखिए ऊपर की तरफ से 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर भी सेंटर से हमको दोनों साइडों पर 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है। और ये जो पट्टी हमने बनाई है हैंडल के लिए पकड़ने के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा देखिए फोल्ड करके पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से हमको पिनअप कर लेना है। और जैसे हमने पिनअप किया है वैसे ही देखिए हमको 2-3 सिलाई लगाना है, जिससे कि ये जो हमारा देखिए हैंडल है ना, मजबूत बन के रेडी होगा। तो देखिए दोनों तरफ मैंने पकड़ने के लिए हैंडल लगा लिए हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पे देखिए आपके ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे, कम्बल आप स्टोर कर सकते हैं, खिलौने स्टोर कर सकते हैं। पर अभी देखिए हम इसको ऊपर से कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 इंच चौड़ाई रखी है कपड़े की और 13 इंच मैंने लंबाई रखी, और नीचे मैंने प्लास्टिक की बोरी लगाई है और इसको चारों तरफ से सिलाई लगा के क्विल्टिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पे ना फ्रेंड्स, चारों तरफ से हमको डबल फोल्ड करते हुए ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली है। अब देखिए 10.5 इंच इसकी चौड़ाई बची है और 12 इंच इसकी लंबाई है, और एक तरफ मैंने यहाँ पे देखिए वेलक्रो भी लगा लिया है। तो इसी तरीके से इसको रेडी करना है। इस तरीके से देखिए नाप लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना ये जो हमने ऊपर से कवर करने के लिए जो बनाया है कवर, तो वो थोड़ा सा देखिए बड़ा हो रहा था। तो यहाँ से आप इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं, इसको नापने के बाद इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लीजिएगा जितना भी जो बड़ा हो रहा है। तो अभी देखिए थोड़ा सा मैं कट ही कर देती हूँ साइडों से, ज़्यादा कट नहीं करना है, बस आधा आधा इंच हमको दोनों तरफ से कट करना है। आप चाहें तो आधा आधा इंच फोल्ड भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा ना फोल्ड करने में थोड़ा सा देखिए साइडों से मोटा हो रहा था कपड़ा, तो मैंने कट करके निकाल दिया है। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है, तो कुछ इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बास्केट बनाया है तो उस पर आप देखिए ये जो कवर हमने बनाया है ऊपर से कवर करने के लिए, उसको हमको सिलाई लगा के रेडी करना है। तो ध्यान रखना है कि देखिए जहाँ पे देखिए हमारे हैंडल लगे हैं, तो वहाँ पे हमको ये कवर हमको नहीं लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने इसको पकड़ा है ना, ये देखिए किसी भी एक तरफ पे जहाँ पे आपके हैंडल नहीं है वहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए मैंने इस तरीके से इसको जोड़ के रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से देखिए आपको भी सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो कुछ इस तरीके से ये रेडी है। अब देखिए इसको पहले नीचे रखना है और अच्छे से पहले इसको सेट करना है। आप चाहें तो इसके अंदर कपड़े भी रख के आप देखिए इस तरीके से वेलक्रो को सेट कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से देखिए चौक से आप निशान लगा लीजिएगा पहले, और फिर जो आपका निशान आएगा उसी पे देखिए यहाँ पे वेलक्रो रख के हमको सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरीके से ना जो हमारी वेलक्रो है वो देखिए ऊपर नीचे नहीं होती है, बराबर साइज पे हमारी वेलक्रो लग के रेडी हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे साइज पे हमारा ये बन के रेडी है। 20 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी इसकी अच्छी है। तो इस पे आप ना धोने वाले कपड़े रख सकते हैं, प्रेस वाले कपड़े आप स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चों के खिलौने रख सकते हैं। बच्चों के बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिनको देखिए इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो आप उनको इस तरीके से समेट के एक जगह पर रख सकते हैं और छोटी सी जगह पे आपका ये लॉन्ड्री बास्केट आ जाता है। तो इसको देखिए आप ना अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। खिलौना स्टोर कर लीजिए, कपड़े स्टोर कर लीजिए, प्रेस वाले कपड़े स्टोर कर लीजिए, धोने वाले कपड़े स्टोर कर लीजिए। और ये जो साइडों से देखिए थोड़ा सा खुला हुआ है तो यहाँ पे आप वेलक्रो लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे टिच बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा, और आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चावल पे आने वाली बोरी से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र को हम बना के रेडी करेंगे। इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, और ढेर सारे कपड़े खिलौने बच्चों के कपड़े आप इस पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए देखिए हमको यहाँ पे हार्ड वाली बोरी लेना है। तो ये जो पीली वाली जो बोरी है वो खाद पर आई थी, तो इस तरीके की बोरी भी आप यूज कर सकते हैं, या जो चावल पे जो हार्ड वाली जो बोरी आती है उसका यूज करके भी आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बोरी को हमको यहाँ पे कट कर लेना है, और बहुत बड़े साइज पे ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी होगा जिसपे ढेर सारे कपड़े चीज़ें आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बोरी को इस तरीके से कटिंग करके मैंने खोल लिया है, या फिर आपके पास छोटे पैकेट हैं तो आप उनको जोड़ के भी एक बड़ा सिंगल पीस यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पुरानी बेडशीट को कट कर लिया है और बोरी को कट कर लिया है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई देखिए हमको बराबर रखनी है, 32 इंच हमको इसकी लंबाई रखना है और 32 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। लंबाई चौड़ाई बराबर रखना है, छोटा साइज बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये जो साइज हम बना रहे हैं तो ये साइज भी बहुत ही बड़ा साइज पे ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी होगा। नीचे प्लास्टिक की बोरी रखना है और ऊपर देखिए बेडशीट के कपड़े को उल्टा करते हुए रखना है, और चारों तरफ से इसको हम पहले पिनअप कर लेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा पीस हमने यहाँ पे कपड़े का और बोरी का कट किया है। तो जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो कपड़े जो है फिसल जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे चारों तरफ से देखिए पिनअप कर लेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से पिनअप करने के बाद थोड़ी सी जगह को छोड़ते हुए हमको इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो ये देखिए मैंने पिनअप कर लिया है, अब थोड़ी सी जगह को यहाँ पे देखिए छोड़ेंगे और फिर इसके चारों तरफ हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा के ले आया है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बोरी है उसको हम कट कर देंगे। फिर इसको देखिए जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी है वहाँ से इसको हम पलट लेंगे, और इसके जो भी कॉर्नर है चारों जो कॉर्नर है उनको कोई भी नुकीली चीज़ से देखिए अच्छे से हमको इस तरीके से निकाल के कॉर्नर को अच्छे से देखिए ऐसे हम निकाल लेंगे। तो चारों कॉर्नर को कोई भी नुकीली चीज़ से पेन या पेंसिल से आप इस तरीके से निकाल के रेडी कर लीजिएगा। तो अभी देखिए चारों तरफ से कॉर्नर निकालने के बाद अब जो थोड़ी सी जो जगह खुली छूटी हुई है तो वहाँ पे भी हमको देखिए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, और फिर देखिए एक बार हमको पूरा किनारे किनारे पे टॉप सिलाई लगा के रेडी करना है जिससे कि सिलाइयाँ जो है अच्छे से बैठ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अब टॉप सिलाई लगाने के बाद हमको बीच बीच पे भी सिलाई लगा के इसको क्विल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइज़ है वो 31 इंच बाई 31 इंच पे ये बन के रेडी हुआ है। जब हमने इस पर सिलाई लगाया तो 1 इंच जो हमारा सिलाई पर देखिए दब गया है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमको ना मैं इस तरफ आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हमको 9 इंच बाई 9 इंच पे देखिए बॉक्स कट करने हैं। तो पहले हम चौक से निशान लगा लेंगे, और चौक का जो निशान है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 9 इंच बाई 9 इंच पे हमको ये बॉक्स देखिए इस तरीके से कट करना है। तो एक कॉर्नर मैंने कट कर लिया है, अब इसी को रखते हुए देखिए हम ये दूसरा वाला कॉर्नर भी कट कर लेंगे। और इस तरीके से जब आप कटिंग करेंगे ना तो जो आपके जो कॉर्नर की जो कटिंग है वो देखिए छोटी बड़ी नहीं होगी।
तो इस तरीके से हमको देखिए कॉर्नर को कट कर लेना है। तो ये दो कॉर्नर हमने कट कर लिए हैं। अब जो दो कॉर्नर हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम देखिए इस तरीके से निशान लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, आप ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपके कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो कुछ इस तरीके से देखिए, एक यहाँ पर कॉर्नर कटिंग करने के बाद ये सिंगल पीस आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने किनारे किनारे पर ना सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और ये कॉर्नर जो निकले थे दो कॉर्नर को देखिए, कटिंग जो हमने की थी कपड़ों की, तो इस तरीके से देखिए मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के इनको रेडी कर लिया है। और ऊपर की तरफ से देखिए एक इंच पे निशान लगाते हुए हम ये जो यहाँ पे हमको ना पॉकेट बनाना है देखिए, तो जैसे मैंने देखिए पॉकेट के लिए कपड़ों को रखा है छोटे वाले पीस को, तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन तरफ से सिलाई लगा के पॉकेट को जोड़ लिया है और एक तरफ मैंने खुला रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच चौड़ी और 13 इंच लंबी मैंने कपड़े से पट्टी कट कर ली है और इसके बीच पे हमको रखना है शॉपिंग बैग या फिर प्लास्टिक की बोरी भी आप रख सकते हैं। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे देखिए पट्टी बना के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए बेल्ट मैंने बना ली है, तो ये देखिए 13 इंच लंबी ये पट्टी है। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, ये दो तरफ तो हमारे पॉकेट लगे हुए हैं आमने सामने और एक तरफ हमको यहाँ पे ये जो हमने बेल्ट बनाई है, तो देखिए ऊपर की तरफ से 3.5 इंच का निशान लगाते हुए मैंने ये बेल्ट को इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने बेल्ट को जोड़ के रेडी कर लिया है दोनों तरफ सिलाई लगा के। तो दो तरफ हमारे पॉकेट बन गए हैं, एक तरफ हमारी बेल्ट है और अभी देखिए एक तरफ हमारी खाली जगह है। तो यहाँ पे देखिए ना तो पॉकेट है ना ही तो हमने बेल्ट लगाई है, आप चाहें तो यहाँ पे बेल्ट भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमको साइडों से देखिए 3 इंच पे हमको निशान लगाना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा नहीं तो समझ पे नहीं आएगा। और 9 इंच हमको देखिए गहराई रखना है, ये जहाँ से हमने कॉर्नर कट किया था तो वहीं तक हमको निशान लगाना है। दूसरी तरफ से भी देखिए किनारे से 3 इंच पे मैंने निशान लगाया और गहराई हम 9 इंच देंगे। तो इस तरीके से देखिए बीचों बीच पे एक बॉक्स बन गया है। अभी जब मैं इसकी देखिए कटिंग करूँगी तो आपको समझ पे आ जाएगा। अभी देखिए ये चौक से ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, साइडों से 3 इंच है और गहराई देखिए 9 इंच है ये देखिए। तो ये बीच में हमारा बॉक्स के जैसे बन गया है। अब मैं कटिंग करके दिखाती हूँ तो आपको फिर देखिए समझ पे आ जाएगा कि कैसा बॉक्स ये हमारा बन के रेडी हुआ था। तो ये देखिए ये बॉक्स हमने कट कर दिया है और ये जो हमने ये जो कपड़ा कट किया है बीच से, इसको रखते हुए देखिए 1-1 इंच चारों तरफ बड़ी हमको ट्रांसपेरेंट शीट कट करना है और यहाँ पर हमको अच्छी वाली ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करना है। तो ये देखिए इस तरीके से पहले ट्रांसपेरेंट शीट को रखेंगे और फिर ये जो बीच से जो कपड़ा हमने कट किया है उसको देखिए चारों तरफ से ना ट्रांसपेरेंट शीट को हम 1-1 इंच 1.5-1.5 इंच थोड़ी हमको बड़ी कट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हमको कैसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक तरफ से हम ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। किसी भी एक तरफ से देखिए मैंने एक तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई कर ली थी ट्रांसपेरेंट शीट पे। जो साइड हमारी ऊपर की तरफ आएगी ना उसको हम एक दो बार फोल्ड करते हुए मैंने उसको स्टिच कर लिया था। अब देखिए इस तरीके से रखना है किनारे पे ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम इस तरीके से देखिए कपड़े को रखेंगे और फिर देखिए तीन तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से आप चाहें तो पहले पिनअप कर सकते हैं। यदि आप अभी सिलाई सीख रहे हैं, आपको अच्छे से सिलाई नहीं आती है, तो आप एक बार देखिए ज़मीन पे कपड़ों को अच्छे से सेट करके और ट्रांसपेरेंट शीट को रख के अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा, फिर आप सिलाई लगाइएगा। मैं डायरेक्ट ही देखिए कपड़े पर और ट्रांसपेरेंट शीट को इस तरीके से जोड़ के रेडी कर रही हूँ। तो ध्यान रखना है कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो हमारी देखिए इधर उधर ना हो, छोटी बड़ी ना हो। तो बस यही ध्यान हमको रखना है। इसके लिए आप चाहें तो पहले आप पिनअप भी इसको कर सकते हैं, या आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्ची सिलाई भी एक बार लगा के फिर पक्की सिलाई लगा लीजिएगा और कच्ची जो सिलाई है उसको खोल दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन तरफ सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से देखिए हमने इसको जोड़ के रेडी कर लिया है।
तो ऐसे ही देखिए तीन तरफ से इसको हमने जोड़ लिया है और ऊपर की तरफ हमने एक दो बार फोल्ड करके ट्रांसपेरेंट शीट पे सिलाई लगा दी थी। तो इस तरीके से कुछ ये रेडी है। अब यहाँ पे देखिए जो भी धागे वगैरह हैं वो ना निकलें, इसके लिए हमको लेना है कोई भी लेस। आप ले सकते हैं ब्लाउज़ में लगाने वाली या फिर साड़ी से जो निकलती है लेस ख़राब वाली, उसको भी देखिए आप यहाँ पर डबल, ये जो लेस थी ना थोड़ी चौड़ी थी तो इसको मैंने देखिए डबल कर लिया है। और ये जो किनारे थे जहाँ से धागे वगैरह निकलते वहाँ पे इसको इस तरीके से देखिए रखना है और फिर यहाँ पे हम तीन तरफ यहाँ पे लेस लगा लेंगे। आप चाहें तो ये जो ऊपर की तरफ जो ट्रांसपेरेंट शीट है वहाँ पे भी लेस को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी होगा जिस पर आपके ढेर सारे कपड़े स्टोर हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमको ये लेस को लगाना है। अब ऊपर की तरफ से लेस को हम फोल्ड कर देंगे जिससे कि लेस से भी कोई धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ लेस के किनारे किनारे पे एक बार हम और सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी चौड़ी लेस थी तो हमको यहाँ पे दो सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे देखिए बीच पे ये ट्रांसपेरेंट शीट लग के रेडी हो गई है। अब आप इसके अंदर जो भी कपड़े रखेंगे तो वो आपको दिखाई देंगे कि आपने इसके अंदर कौन कौन से कपड़े रख के स्टोर किए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये सेट है। अब ये जो कॉर्नर है इनको इस तरीके से देखिए पकड़ना है और फिर नीचे की तरफ से हमको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ऊपर की तरफ से देखिए हम स्टार्ट सिलाई को नहीं करेंगे, नीचे की तरफ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक देखिए लेके लेते हुए जाएंगे सिलाई को और ऊपर की तरफ सिलाई को पक्का कर देंगे। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली और ये जो बोरी थी तो बहुत ही अच्छी बोरी है ये, इससे कोई भी धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। और ये बेडशीट का जो कपड़ा मैंने यूज किया है तो वो कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है तो इससे धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहे हैं, रेसे वगैरह। यदि आप ऐसा कोई कपड़ा या बोरी यूज करते हैं जिससे धागे निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो किनारे पे जो हम सिलाई लगा रहे हैं तो इस पर आप एक बार पाइपिंग लगा सकते हैं। और यदि आप पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वीडियो को अभी लास्ट तक देखिएगा। तो जो लोग पाइपिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं एक यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपको पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही आपका बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं या बिना पाइपिंग के भी इसको बना सकते हैं। अब इसको हम देखिए पलट लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए पहले इसको पलटते हुए इसके कॉर्नर को हम अच्छी तरीके से निकालते हुए सेट कर लेंगे। अब हमें देखिए इसके पहले ये जो चारों कॉर्नर हैं उनको अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने सिलाई लगा के कॉर्नर को जो रेडी किया है ना, तो बाहर की तरफ से देखिए हमको इस पे सिलाई लगाना है। पहले हमने अंदर से कॉर्नर को सिलाई लगाई थी, अब यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से सेट करते हुए बस यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा बस हमको दबाना है। तो इस तरीके से यदि आप अंदर की तरफ पाइपिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाएगा और इस बॉक्स का जो सेफ है वो भी बहुत ही अच्छे से देखिए रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ हमको चारों तरफ एक बार इस तरीके से सिलाई लगा के ज़रूर रेडी करना है। तो ये देखिए ये जो लास्ट वाला जो कॉर्नर है इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ से सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर देखिए ऊपर तक सिलाई को लेके आएंगे। और यदि आपकी सिलाई मशीन पे नहीं चलती है सिलाई तो यहाँ पे ना आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने 16 नंबर की सुई का यूज किया है। 16 नंबर की सुई से ये ऑर्गेनाइज़र आपका आराम से बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए बाहर की तरफ जो हमने ये कॉर्नर पे जो सिलाई लगाई है तो उससे इस ऑर्गेनाइज़र का जो सेफ है वो बहुत ही अच्छा आके रेडी हुआ है। देखिए तो यहाँ पे दो पॉकेट है साइडों पे, पीछे की तरफ मैंने हैंडल लगाया है और सामने की तरफ ट्रांसपेरेंट शीट है जिससे कि देखिए दिखाई देगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन से कपड़े रख के रेडी किए हैं। तो इस तरीके से देखिए ढेर सारे कपड़े आप इस बॉक्स पे रख सकते हैं। इस पे आप टी शर्ट स्टोर कर सकते हैं, जींस का पैंट स्टोर कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं, आपकी जो डेली की जो साड़ियाँ होती हैं उनको आप इस पे स्टोर कर सकते हैं।
बहुत ही प्यारा सा ये देखिए बॉक्स से बन के रेडी है। और ये जो पॉकेट हैं इन पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो बहुत ही बड़े साइज पे ये बॉक्स हमारा बन के रेडी है। आप सेम तरीके से छोटे साइज पे भी इसको बना सकते हैं और इससे और बड़े साइज पे भी आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में।